मोदी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि वाराणसी से पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर का दावा है कि 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ मोदी के खिलाफ करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव समर में उतरने वाले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर वाराणसी से चुनाव लड़ने का घोषणा कर दी है और उन्होंने बताया कि करीबन 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने उन्हें कहा है कि वो उनके समर्थन में उतरेंगे और उनके साथ काउंसलिंग कन्वेंसिंग करवाएंगे। तेज बहादुर वही हैं जिनका वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जिन्होंने दाल के ऊपर वीडियो दिखाया था कि सैनिकों को क्या खाना मिलता है। उसके बाद से उनकी परेशानियां बढ़ गई और उनको रिजाइन देना पड़ गया सेना से। तेज बहादुर बोले, करीब 10,000 पूर्व सैनिक वाराणसी आकर असली चौकीदार के पक्ष में और नकली चौकीदार पीएम मोदी के खिलाफ घर घर जाकर प्रचार करेंगे। वाराणसी में प्रेस से बातचीत में तेज बहादुर ने वाराणसी में बताया कि पीएम मोदी जिस दिन नामांकन भरेंगे उसके अगले दिन ही मैं नामांकन भरकर आऊंगा, ताकि नरेंद्र मोदी को उनका किए हुए कार्यों का आईना दिखा सकें। तेज बहादुर ने नामांकन के जुलूस में सेना और अर्धसैनिक बलों का व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों बर्खास्त जवानों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। चुनाव प्रचार में बनारस की धरती पर पूर्व सैनिक ही नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि मैं हार जीत में नहीं बल्कि पीएम मोदी को आईना दिखाने के लिए चुनाव मैदान में उतरूंगा। जनता को बताऊंगा कि सैनिकों का हितेशी होने का दावा करने वाले पीएम मोदी ने सैनिकों के लिए क्या किया गया है, वह वादा पूरा नहीं किया है। पूर्व सैनिकों को घर घर जाके बताएंगे कि मोदी जी ने सैनिकों का क्या हाल कर रखा है। सच्चाई पता चलने के बाद पब्लिक हमारे साथ खड़ी होगी। तेज बहादुर ने दावा किया कि बीजेपी के सहयोग पार्टी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाष सप्रा के ओम प्रकाश, राजभर जैन शक्ति पार्टी के रेणु चौधरी, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल समर्थन दिया है। यादव सेना और राम सेना भी साथ में हैं। एसपी सुब्रमण्यम अखिलेश यादव से बातचीत में चल रही है। सैनिक संगठन का भी सहयोग मिल रहा है। तेज बहादुर ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास प्रचार के लिए पैसा नहीं है, मैं डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार करूंगा। उन्होंने बताया कि मैं जनता के सामने उनके मुद्दे रखूंगा। तेज बहादुर ने अखिलेश यादव के सेना में अलग यादव रेजिमेंट बनाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यदि मैं वाराणसी से जीता तो सांसद में इसके लिए आवाज उठाऊंगा। सेना और अर्धसैनिक बलों में भ्रष्टाचार पर रोक, अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना, पूरा पेंशन, बहाली, शिक्षा, मित्रों के साथ उनका प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। अगर इस तरीके से मैदान में उतरते रहे मोदी सरकार के खिलाफ लोग, तो मोदी सरकार का जीतना हो सकता है बहुत मुश्किल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।